नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनके सामने भावांतर का झुंझुना बजा रही है। एमएसपी किसानों का अधिकार है और भावांतर एक धोखा है। हुड्डा ने कहा कि आज सूरजमुखी के किसान अपनी फसल का रेट लेने के लिए आंदोलनरत हैं। 6400 रुपए वाली सूरजमुखी लगभग 4000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। वही सरकार कागजों में 1000 रुपए भावांतर देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि इसके बाद भी किसानों को 1000 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल घाटा झेलना पड़ रहा है। आखिर किसान के इस नुकसान की भरपाई कहां से होगी? आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में एमएसपी कागजों और मुआवजा पोर्टल तक सीमित है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को सस्ता ईंधन, लोन माफी और सब्सिडी उपलब्ध करवाई थी, जबकि मौजूदा सरकार ने खाद, बीज, दवाइयों से लेकर ट्रैक्टर पार्ट्स तक जीएसटी लगाकर खेतों की लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ और 2136 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, लेकिन गठबंधन सरकार ने एक पैसा माफ नहीं किया। वही पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों को 10 पैसे प्रति क्विंटल बिजली मुहैया करवाने से लेकर जीरो ब्याज की फसली लोन, ट्यूबवेल कनेक्शन पर सब्सिडी, फव्वारा सिंचाई पर 100% सब्सिडी जैसी राहतें दी थी। ये सारी राहत अब खत्म कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों 17 लाख एकड़ में फसल खराब हुआ, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 लाख एकड़ के लिए मुआवजा का ऐलान किया, उनमें से भी मामुश्किल 77,000 किसानों को ही नामात्र मुआवजा मिला। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।